कैटरीना और विकी कौशल की शादी अटेंड करनी है तो कुछ नियम तो मानने ही पड़ेंगे। जी हाँ, मेहमानों को फॉलो करने होंगे कुछ नियम। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी को लेकर इन दिनों काफी चर्चाएं हो रही हैं। हर दिन इस शादी से जुड़े नए नए अपडेट भी सामने आते हैं। ऐसे में अब एक बार फिर से शादी से जुड़े कुछ नए अपडेट्स आए हैं। शादी के लिए खास नियम बनाए गए हैं, जिसे हर फंक्शन में शामिल होने वाले शख्स को फॉलो करना पड़ेगा। मेहमान नहीं लेकर जा सकते हैं मोबाइल फोन। जी हाँ, दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी में मेहमान मोबाइल फोन यूज नहीं कर सकते। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से कहा गया है कि उनकी मर्जी के बिना शादी की कोई भी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर लीक नहीं होनी चाहिए। विकी और कैटरीना के फैमिली के लिए इनकी शादी का दिन बहुत बड़ा और खास है। ऐसे वो नहीं चाहते कि शादी की किसी भी फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर किया जाए। कैटरीना विकी की टीम इस शादी की तैयारियों में जुटी है और वो प्राइवेसी और सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रही है। प्राइवेसी को देखते हुए ही एक सीमित लोकेशन तक ही मेहमान अपने मोबाइल फोन्स इस्तेमाल कर पाएंगे। रिपोर्ट्स की माने तो इस खास मौके पर बॉलीवुड के कुछ करीबी दोस्तों और दोनों के परिवार सदस्यों को ही शामिल किया जाएगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि कैटरीना कैफ और विकी कौशल राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के सिक्स सेंस फोर्ट होटल में शादी कर रहे हैं। इनकी शादी का जश्न 7 से 12 दिसंबर तक चलेगा और शादी के लिए होटल की बुकिंग भी हो चुकी है। इसके अलावा खबर तो ये भी है कि इस VIP वेडिंग के आयोजन के लिए कई इवेंट कंपनियां मिलकर काम करेंगी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कैटरीना और विकी कौशल की शादी कितने ग्रैंड लेवल पर होती है। ABP News आपको रखे आगे।